नमस्कार दोस्तों, मैं राजू चौधरी और स्वागत है आप लोगों को राजू सोनी यूट्यूब चैनल में। तो आज का राइड हम स्टार्ट करने वाले हैं, चलते हैं मार्केट और देखते हैं कि आज हमारी राइड कहां से स्टार्ट होती है और कहां जाकर एंड होती है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, वीडियो अच्छा लगेगा एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ इंस्टाग्राम का आईडी वहाँ भी जाकर फॉलो की। तो चलिए हम अपना रैपिडो और ओला का ड्यूटी ऑन करते हैं और देखते हैं आज हमारी राइड कहाँ से स्टार्ट होती है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बन रहे हो। ओला तो एकदम मुजफ्फरपुर के लिए है, एक भी ऑर्डर नहीं आता, रैपिडो में आता है और आप लोगों को दिखाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमारी राइड शुरू। हाँ तो गाइस, अभी हम आप लोगों को सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलते, पहले खोलते हैं रैपिडो और यहाँ करते हैं ऑन ड्यूटी। ड्यूटी ऑन कर दिए और इसके बाद हम चलेंगे ओला पार्टनर में। यहाँ पर मैं ऑन ड्यूटी कर दिया, चलते हैं मार्केट की तरफ, देखते हैं कहाँ से राइड स्टार्ट होती है हमारी। तो गाइस हमारी फर्स्ट राइड मिल गई, देखते हैं मिठनपुरा चौक बेला थाना, इनको फोन करके पता करते हैं कि कहाँ पे हैं। हेलो हेलो, क्या पता भाई, चुतियापन की भी एक हद होती है यार। अभी हम मस्जिद चौक के आसपास थे, अभी आप लोगों को दिखा है एक रेड हमें आई है और जब हम लोकेशन पे आ गए हैं तो यहाँ आने के बाद वो कैंसिल कर दिया और फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं, ये लोग भी जो है ना, चुतियापन की भी हद होती है भाई। अब देख लो मस्जिद चौक से यहाँ हम आए बेला रोड में, तेल में मेरा जल गया इतना देर। अगर नहीं जाना रहता है तो भाई क्यों ऑर्डर लगाते हो, ऐसा मत करो यार। अगर नहीं जाना है तो ऑर्डर मत लगाइए, जाना है तो ऑर्डर कीजिए, तो फिर अगर पिकअप आया तो उसको मतलब कि एक्सेप्ट कीजिए भाई। देख रहे हैं यह, देखें आप लोगों को दिख रहा है, देखिए कैंसिल कर दिया। यार सुबह 10 बजे से 1 बजने जा रहा है और हमारी एक भी राइट अभी तक नहीं मिली, क्या चक्कर है, क्या होगा फिर ऐसे में। अभी आप लोग देख सकते हैं मिठनपुरा चौक में सुबह 10 बजे से वेट कर रहे हैं राइड की, एक राइड मिली भी है, जब लोकेशन पे हम गए तो वहाँ कैंसिल कर दिया। बताओ यार, अभी तक खाली सिटी मार्केट में घूम रहे हैं, कैसे चलेगा काम भाई। आप लोगों के अंदर में कोई जॉब है तो बता दिए यार, बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ये रैपिडो से काम नहीं चलेगा। हेलो, बोलना तो भाई आ रहा हूँ, मोती भी रोकते हूँ भैया, बाइक चला के ही ना आएंगे। हाँ तो बस आ गया, बस आपके पास में हूँ, आप निकलिए बाहर। महावीर द्वार, हाँ हाँ ठीक है, बस पहुँच गया। हाँ तो गाइस फर्स्ट राइड अभी मिली है हमें, कितना बज रहा है, 2:30 बज गया, आज 2:30 बजे हमारी फर्स्ट राइड स्टार्ट हो रही है। तो अभी हम मोती झील में थे, तो अभी एक राइड आई है और अभी स्टेशन पे जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन जा रहे हैं महावीर द्वार के पास हैं। तो बस हम लोग महावीर द्वार पहुँच गए, महावीर द्वार, बस देख सकते हो महावीर द्वार यही है, आप लोग देखिएगा महावीर द्वार। महावीर द्वार हम आ गए, कॉल करें 5072। कहाँ जाना है भैया? ये पंकज मार्केट है ना। हाँ हाँ, SBI मार्केट बैंक। बस बस, कर जाइए।
जी भैया, भैया को लेकर जा रहे हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से पंकज मार्केट। बाबू SBI बैंक कहाँ है? पीछे है। ठीक है, बैंक तो बंद है, बैंक के बाहर जाना मुझे तो वहीं का कुछ। हाँ तो आज का संडे है तो बैंक तो बंद ही होगा ना। तो भैया को मैंने पंकज मार्केट छोड़ दिया, देखता हूँ हमारे कितने बन गए। ऑनलाइन नहीं करते हैं? नहीं ऑनलाइन नहीं, पैसे ही ऑनलाइन, गरीब आदमी। अरे भैया हमसे भी गरीब हो आपके। यूट्यूबर है वो आप तो? यूट्यूबर हूँ तो पैसा हर समय नहीं रहता है ना पास में। भैया का हुआ 16 रुपया और भैया हमें दिए 20 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं सेकेंड राइड हमारी कहाँ से मिलती है। और कैश कलेक्टेड फाइव स्टार सबमिट रेडी फॉर नैप। देखते हैं सेकेंड राइड हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है। हाँ तो गाइस सेकेंड राइड अभी हमें आई है और इनसे कॉल करके पता करते हैं कि आना कहाँ पे है। हाँ तो गाइस अभी हमें राइड मिली है केदारनाथ रोड बैंक ऑफ बड़ौदा के पास बोला रहे थे, लग रहा है वही पास। इससे पहले भी उनको हम ले गए थे, वही है या दूसरा है पता न चल कर देखते हैं। तो अभी हम बैंक ऑफ बड़ौदा देख रहे हैं, आ गए केदारनाथ रोड में, उनको कॉल कर लेते हैं। लग रहा है 3000। वो दिन आखिर को ना ले गए थे सर नाइट में? हाँ जी लगा कैमरा। ये सर कैमरा है, हम ब्लॉगर है ना, यूट्यूबर है सर हम। हेड नॉर्थ ऑन केदारनाथ रोड टूवर्ड भारत माता लेक। दूरदर्शन कहाँ जाना है जी? दूरदर्शन। दूरदर्शन कहाँ है सर? कितना बोले सर? 3009। हाँ कैमरा है। हेड नॉर्थ ऑन केदारनाथ। कहाँ चलना है सर? दूरदर्शन केंद्र। दूरदर्शन केंद्र केदारनाथ रोड से चल रहे हैं सर को, दूरदर्शन केंद्र लेकर रानी सती मंदिर होते हुए जाएंगे। अंदर कुछ चौक आप लोग देख सकते हैं और ये हनुमान मंदिर का बहुत जल्द आप लोगों को एक अपडेट देंगे। काफ़ी दिनों से आप लोगों का डिमांड आ रहा है सिकंदरपुर चौक पर हनुमान मंदिर का अपडेट देंगे, तो आप लोगों को बहुत जल्दी देंगे। और सिकंदरपुर का एक अपडेट आप लोग और भी मांग रहे हैं कि ये महाकाल मंदिर जो है वहाँ का भी अपडेट आप लोगों को बहुत जल्द देंगे। ऐसे ये काली मंदिर का तो हम देख चुके हैं, आप लोग देखे ही हैं, अगर नहीं देखे तो हमारे चैनल पे है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। काली मंदिर सिकंदरपुर सर्च कीजिए एकदम टॉप में आएगा। ये आप लोग देख सकते हैं सिकंदरपुर आए हुए हैं, सामने देखे हुए हैं घाट वहीं पे है। चलते हैं रिटर्न, सेकेंड राइड मैंने कंप्लीट कर लिया और थर्ड राइड देखते हैं कि हमारा कहां से मिलता है और कहां तक मिलता है। आज तो लग रहा है कि खटिया खाड़ा पौवा ढीला हो जाता। ऑटो गाइड थर्ड राइड हमें मिल गई है और अभी आप लोग देख सकते हैं जा रहे हैं चर्च, पानी टैंकी चर्च है वहीं जा रहे हैं और चल के देखते हैं कि कहाँ तक जाना है वहाँ। ऑटो गाइज अभी आप लोग देख सकते हैं राजीव कमल हमने आ गया, पहले उन्होंने बोला चर्च, इसके बाद राजीव कमल, यहाँ पे एक पेस्ट्री, हाँ गोपाल पेस्ट्री स्ट्रीट के बगल में चर्च, गोपाल पेस्ट्री स्ट्रीट कॉल कर लिया।
16-82 कहाँ जाना है भैया? कहाँ चलना है? मोदी चौक। तो अभी आप लोग, हाँ तो अभी आप लोग देख सकते हैं गोपाल टैक्सी जो है राजीव कमल, वहाँ से हम चल रहे हैं मस्जिद चौक के तरफ। पूरा खुल के लोकेशन अभी जल्दी नहीं बताते हैं। अभी देखिए पहले बोले चर्च, उसके बाद बोले हैं गोपाल टैक्सी, उसके बाद उसके गली में, उसके आने के समय बोले हैं मस्जिद चौक जाना, और मस्जिद चौक से आना है बेला रोड में, देखे अंदर गली में। चलो अनेकों प्रकार के आदमी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। आज हमारी राइड जो है से कि एकदम बेकार जा रहा है, एकदम बेकार। 18-20-22 ऐसे करके हमारा आ रहा है, देख रहे हैं क्या हो रहा है। और अभी 4:30 हो गया। चलो तीसरा राइड लगाते हैं, चौथा देखते हैं कि कहाँ के मिलता है हमारा। हाँ तो गाइज, आज मात्र मैंने किया 3 राइड कंप्लीट। आप लोग सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं हम झूठ बोल, पर झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा रहे। देखे 3 राइड मैंने कंप्लीट किया और हमारे इनकम कितने में, 56 रुपीज़ 2 पैसा, और उसमें 15 रुपया हमें इंसेंटिव मिला है। तो आप लोग 15 करके समझ लीजिए कि आज हमने कितना ज़्यादा अर्निंग किया। और मुजफ्फरपुर में रैपिडो में काम करने से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना अर्निंग है रोज का, क्या करें। पर कोई बात नहीं है, मेन फंडा तो हमें आप लोगों को दिखाना, रोज़ एक कंटेंट देना, इसी वजह से हम काम कर रहे हैं रैपिडो में। पर रैपिडो में भी छोड़ ही देंगे क्योंकि मज़ा नहीं है। 40 रुपया 50 रुपया 100 रुपया से क्या होने वाला, अपना पॉकेट खर्च भी नहीं हो पाता है पूरा। 200-250 का तेल जला देते हैं रोज, इतनी कम अर्निंग, क्या किया जाए। आप लोग प्लीज़ थोड़ा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या करें। और आप लोगों को नॉलेज में कोई जॉब है तो हमें भाई बताइए, क्योंकि अभी लॉकडाउन लग रहा है मुजफ्फरपुर में और कोरोना का यहाँ जो है केसेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो अब जो है स्थिति मेरा और दम डमाडोल हो रहा है, प्लीज़ आप लोग बताइएगा। तो क्या किया जाए, अब हम घर चल रहे हैं। अभी आज हम सवेरे ही घर चल रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम आप लोगों को बता देते हैं, अभी 6 भी नहीं बजा, 5:30 हुआ, 5:30 बजा और हम घर जा रहे हैं। आज संडे का दिन है, मार्केट में थोड़ा भी जान नहीं है। सोचे कि भाई अब चलो घर, क्या करें मार्केट में फालतू में खाली पीली बैठ कर पेट्रोल फूक कर। तो आप लोग देख लीजिए रैपिडो में काम करने से कितना अर्निंग है रोज का। दिन भर आप घूमो, दिन भर इधर से उधर भाग दौड़ करो, आप जो चाहोगे सो नहीं होगा, एकदम कम अर्निंग है। चलो कोई बात नहीं है, वीडियो को थोड़ा आप लोग प्लीज़ लाइक करते जाइए, अपने दोस्तों को शेयर करते जाइए। और आप लोग हमारा वीडियो नहीं देख रहे, प्लीज़ आप लोग वीडियो देखेंगे तभी तो हमारा सपोर्ट होगा। 7 महीना हो गया मेरा मोनिटाइजेशन ऑन किया हुआ, 7 महीना, लेकिन अभी तक $100 कंप्लीट नहीं हुआ हमारे, अभी तक $100 कंप्लीट नहीं हुआ हमारे गूगल एडसेंस में 7 महीना में, बताइए। किसी किसी को 2-3 महीना में भी हो जाता है फर्स्ट व्यापार, लेकिन हमारा अभी 7 महीना अभी हो गया फिर भी नहीं हुआ $100। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा वीडियो को वॉच कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए भाई को। मुजफ्फरपुर से भाई आपका मुजफ्फरपुर का हर एक अपडेट देते रहता है, तो भाई को थोड़ा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो हमें बोलने का ये मकसद है कि रैपिडो में भैया बहुत कम अर्निंग है, बहुत कम अर्निंग है। सारा दिन बाइक चलाते रहो, घूमते रहो, इधर से उधर, उधर से उधर भाग दौड़ करते रहो, और 3-4 किलोमीटर तक का मतलब कि ऑर्डर आता है, वहाँ फिर बाइक लेकर जाओ, वहाँ रिसीव करो, फिर उनको घर तक लेकर जाओ, छोड़ो, फिर आपको पैसा बनता है, जो भी बनता है वो सब दे देते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, ज़्यादा क्या आप लोगों से बात करें। अगर आप लोग मार्केट घूमते हैं तो प्लीज़ मास्क अवश्य लगाइएगा, 2 गज की दूरी बना कर रखिए। और हमने तो और बिना काम का आप लोग मार्केट में नहीं घूमिएगा प्लीज़, हमसे भी हम आप लोगों से विनती करते हैं, जो अगर इमरजेंसी काम हो तभी घूमिए जाइए। तो चलो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।